रियली सॉरी, आई हैव नॉट टेकन द बाथ, मैं नहाया नहीं हूँ. बट क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज लाइक कौन सी बदबू आने वाली है आपको. द मैटर इज लाइक अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बट उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है. हाय, दिस इज दीपक राव सोलंकी, द वर्टिकल व्लॉगर, और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सरोज व्लॉग्स की एंड नॉट न्यू नवीन के बारे में थोड़ी बहुत. एंड ऑल दी व्लॉगर्स यू नो जो ग्रो हो रहे हैं, वो कौआ पता नहीं कब से क्या क्या. या सो एक्चुअली सरोज व्लॉग्स के वॉज रिसेंटली वॉचिंग वीडियो ऑफ सरोजनी नगर मार्केट, आई सपोज. यार कौआ मेहमान नहीं चाहिए मुझे आज घर पर. ओके, सो सरोज व्लॉग्स के मैं कुछ वीडियोस देख रहा था. प्री दिवाली जो सेल थे उसके लिए वो मार्केट में लेकर गई हैं, एंड उन्होंने सारे आर्टिकल्स दिखाए हैं, सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे, वो जो यू नो जो दिए थे, जो लकड़ी के, जो मिट्टी के, एंड जो जो सजावट के जो सामान थे. आई मस्ट से यू नो जिस तरह से वो व्लॉगिंग करती है, इट इज़ रियली अ फैंटास्टिक जॉब शी इज़ डूइंग. जस्ट इमेजिन अ पर्सन, कोई पर्सन यू नो मार्केट में जा रहा है एंड आपको पूरा मार्केट दिखा रहा है घर बैठे बैठे, आपकी आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, आपकी टीवी के स्क्रीन पे. एंड यू शुड एक्चुअली अप्रिशिएट दैट, राइट, कि कोई आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है. सो दैट्स रियली गुड. सो सरोज कुमार फ्रॉम सरोज व्लॉग्स, आई रियली कंग्रेचुलेट यू फॉर वॉट एवर जॉब यू आर डूइंग. Not whatever, actually, for the fantastic job that you are doing, I really appreciate that. आपके vlogs सच में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही detail में होते हैं. The only thing I would suggest you again is आप ना जब ऐसे market में जाते हैं ना, please use the super wide angle lens जो 230 degree का होता है, वो सच में you know आपके vlogs पे चार चांद लगा देगा. That's what I think. And when I was talking to Miss Meena from Midira.com, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो सरोज कुमार जो हैं, जो व्लॉग्स बनाती हैं और जो मार्केट के व्लॉग जो उन्होंने बनाए हैं, वो सच में बहुत ही बेहतरीन है फॉर द लेडीज़ हु आर यू नो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, या अगर दिल्ली में भी हैं तो घर बैठे उन्हें मार्केट की जानकारी मिल रही है. वो मार्केट में यू नो जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें देख सकते हैं, ऑफलाइन प्रोडक्ट्स को वो ऑफलाइन मार्केट के प्रोडक्ट्स को वो देख पा रहे हैं, एंड उनको उनके प्राइजेस के बारे में पता चल रहा है. अदर देन दैट शी इज़ आल्सो डूइंग द मार्केटिंग ऑफ द यू नो ऑफलाइन शॉप्स जो उस वक्त होते हैं वहाँ. सो दिस इज़ रियली फैंटास्टिक जॉब. एंड शी ऑल्सो सजेस्टेड कि अगर सरोज जी वाइड एंगल लेंसेज मोबाइल में अगर इस्तेमाल करें, सो दैट विल बी इट विल गिव मच मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस यू नो ऑफ द वीडियो ऑफ द मार्केट वेयर यू आर. सो ओके, आई जस्ट वांट टू से दैट मिस मीना इज़ लॉन्चिंग अ वेबसाइट कॉल midira.com सून, एंड दैट वेबसाइट विल बी अबाउट द पर्सनल यू नो सॉरी लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज local events, and she will be also like into the budget online marketing of the shops or the products or the startups and all, and I'll be like assisting her to an extent. So do check out her website. I mean that the website is still under development, I think, but abhi us website pe kuch zyada hai nahi, but still you know like you can go and visit and you can register your yourself in the mailing list. You can go there, subscribe yourself on the blog. So that will be one thing you can help her out in her this new startup. And now let me talk about Mr. NotNewNaveen. Okay, Mr. Naveen. Mr. Naveen ne recently ek comment kiya tha, tab unhone mujhse kaha tha ki like I'm really happy for that. Let me tell you that ki unhone मेरे आवाज़ की तारीफ़ की थी, एंड शी टोल्ड दैट ही टोल्ड दैट आई शुड बी जॉइनिंग सम रेडियो एंड समथिंग लाइक दैट, पीपल वुड लव टू हियर माई वॉइस. बट नवीन जी, लेट मी टेल यू लाइक या आई हैव यूज्ड माई वॉइस एट मैनी प्लेसेस. आई हैव
been doing, you know, a group WhatsApp group shows, you know, which I used to call it the WhatsApp jockey show, where I used to, you know, introduce new songs with some, you know, dialogues preceding those songs with my voice. So I have done that, and thank you Naveen, thank you once again for this. And let me tell you all once again, Mr. Naveen is really a very fantastic vlogger. See, vlogger aap shoot kar lete hain, that is not enough, but after shooting, editing part is very important. So Mr. Naveen jo hai wo editing bahut hi umda karte hain. He really, you know, puts lot of his efforts into editing, and that is what you all should learn from him. That is what I would say, कि आप लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि वो एडिटिंग कैसे करते हैं. उतनी ही मेहनत आपको एडिटिंग में करनी पड़ेगी. मैं देखता हूँ काफ़ी व्लॉगर्स, दे जस्ट शूट एंड अपलोड इट. वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इवन लास्ट में वो जो लाइक मोबाइल पे जाके जो एंड रिकॉर्डिंग जो एंड करते हैं वो तक वो ट्रिम नहीं करते. आई मीन ठीक है, बट स्टिल यू शुड बी सम वॉट प्रोफेशनल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द व्लॉगिंग. एंड Mr. Naveen is demonstrating how much professional you should be while vlogging. Then I would like to congratulate many other vloggers. Jyoti Vlogger, jinke 1000 subscribers ho gaye bahut pehle, unki channel monetize ho gayi. Even she has received the Google AdSense pin bhi unko receive ho gaya. I think kal ya parso ne receive ho gaya. And that's again a good news. So main, the vertical vlogger, I pray to God and I wish you that aap sabke, you know, you get all into that, you know, monetization category. Aapke channels bahut jaldi monetize ho jaye, aapke required number of subscribers, required numbers of minutes or hours jo bhi hain wo complete ho jaye, and you give great contents jisse log aapko, you know, aapko follow kare. You become influencers. कभी कभी ना मुझे बोलने में तकलीफ होती है. ओके, यू ऑल बिकम इन्फ्लुएंसर्स. सो दैट्स ऑल आई वुड, यू नो, विश फॉर यू ऑल पीपल. मैं चाहूँगा कि इंडियन व्लॉगर्स की जो कम्यूनिटी है वो, यू नो, पूरे वर्ल्ड में दे बिकम, यू नो लाइक मिसाल बन जाए. And you all, you know, are being appreciated in, you know, throughout the world. YouTube ho ya Facebook ho ya kahin par bhi ho, Indian vloggers should rock. That is what I want. And I really wish you all a very, you know, very all the best. Aap log aise hi aage badhte rahein and bahut hi badhiya umda contents क्रिएट करते रहें. आई थिंक आई मिस्ड वन थिंग. यू सी वन थिंग, अगर आप ज्योति व्लॉगर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा, शी हैज़, यू नो, रिसेंटली उन्होंने अजमेर के एक होटल के बारे में जो वीडियो बनाया था एंड गॉट वायरल, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले उन्हें. तो आपने नोटिस किया होगा, सी एवरी वन सेज, इवन आई विल से, कि यूट्यूब चलता है फॉर टू रीजन्स. वन इज़ एजुकेशन, सेकेंड इज़ एंटरटेनमेंट, या आई विल से वन इज़ इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज़ एंटरटेनमेंट. यूट्यूब पे लोग इन्हीं दो चीज़ों के लिए आते हैं. तो अगर आपके कंटेंट में एंटरटेनमेंट है तो लोग आपके पास आएंगे, या फिर आपके कंटेंट में अगर इन्फॉर्मेशन है तो लोग ऑर्गेनिकली आपके पास आएंगे. तो ज्योति व्लॉगर ने ऑलरेडी ये प्रूव करके दिखा दिया कि, यू नो, अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं विच इज़ यूजफुल फॉर द पीपल, यू नो, फॉर नॉर्मल पीपल, तो लोग आपकी चैनल पर खुद आएंगे, आपकी वीडियोज़ को खुद देखेंगे, आपकी वीडियोज़ को खुद वो लोग वायरल करेंगे, अगर आपके वीडियोस के कंटेंट में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट या बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो. सो मैं आप लोगों से फिर से यही कहना चाहूँगा कि अपने वीडियोस में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखें, ताकि आपके वीडियोस लोगों के काम आ सकें, राइट. अगर हम ज्योति व्लॉगर का केस ले तो आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर कुछ आगे के कुछ, नो लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अगले महीने के जून तक, कोई भी अगर गूगल पे जाके अजमेर टूरिज्म या होटल्स इन अजमेर या प्लेसेस टू विजिट इन अजमेर डालेगा, तो आई थिंक ज्योति व्लॉगर के वीडियोस ही आएंगे.
क्योंकि उन्होंने अजमेर इतना कवर कर लिया है. सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल, दिस इज़ वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम हर, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह घूमते रहें, ज़रूरी नहीं है कि आप यू नो दिल्ली में हैं तो लाइक साउथ में घूम रहे हैं, मुंबई में घूम रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, US जा रहे हैं, वहाँ जाके घूमेंगे, वहाँ का वीडियो बनाएंगे, तभी यू नो आप अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर कहलाएंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप जहाँ पर हैं, जहाँ के लोकल हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशंस, वहाँ के बारे में ब्लॉग्स बना बना करके भी यू कैन रियली बिकम सक्सेसफुल. आपकी वीडियोस तभी भी वायरल होंगी. बस आपको इंफॉर्मेशन लाते जाना है, उसे प्रेजेंट करते जाना है और बेधड़क व्लॉगिंग करते जाना है, राइट? सो दैट्स इट. वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी यू नो ऑल द बेस्ट. आप लोग ऐसी तरक्की करते रहें एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ यू ऑल पीपल. दैट्स इट. टेक केयर.